मैं हूं शिल्पी सेठ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जनपद ललितपुर की थाना कोतवाली में आज एक ऐसा प्रार्थना पत्र आया जिसमें फरियादी ने मोहल्ले की ही एक महिला पर पशु क्रूरता का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि आरोपी महिला ने उसकी गाय की बछिया के सिर में लाठी मार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चलें कि थाना कोतवाली ललितपुर में राजेंद्र कुमार कुशवाहा पुत्र हरिशंकर कुशवाहा निवासी आजादपुरा थाना कोतवाली ललितपुर ने बताया कि उसके पास एक दुधारू गाय है जिसकी दो बछिया हैं। पिछले कई दिनों से मोहल्ले की ही एक क्रूर महिला उन बछियाओं को उसके घर के आसपास पहुंचने पर लाठियों से मारना शुरू कर देती है, जिसे प्रार्थी व उसके परिजन नज़रअंदाज करते चले आ रहे थे। लेकिन को उक्त महिला ने एक बछिया के सिर में जोर जोर से डंडे मार दिए, जिससे बछिया घर आकर चक्कर खाने लगी और मुंह से लार टपकाने लगी। इस घटनाक्रम को मोहल्ले के कुछ लोगों ने देखा भी था। प्रार्थना पत्र में राजेंद्र कुशवाहा ने बताया कि आज उस बछिया ने अपने प्राण त्याग दिए। राजेंद्र कुशवाहा द्वारा पुलिस से उक्त क्रूर महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। क्या समस्या हुई? एक छोटी सी हमारी 2 साल की बछिया थी, वो नहर तरफ जाती थी पारड़ी, सुबह 9-10 बजे जाती थी, 4-5 बजे 6 बजे तक आ जाती थी। सूरज नाम की औरत है, वो पारड़ी उस हमारे रंजिश के में उसको रोज पारड़ी मारती थी। हम कहते थे अपन को लड़ना नहीं है, मारने तो वो तो गऊ हत्या लगे, गऊ को मारने कोई बात नहीं। लेकिन कल उसने ज़्यादा ही मार दिया उसे सर में लठ मारा, तो आज शाम को 4 बजे के लगभग ख़त्म हो गई। दवा भी करवाई हम लोगों ने, डॉक्टर आया देख गया, कोई कार्रवाई नहीं किया आपने? इसकी 2-3 पहले एप्लीकेशन दे चुके, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी अब 3 बजे के लगभग फिर दिया है हमें, कोई कार्रवाई करती नहीं है पुलिस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।